हमीरपुर जिला मुख्यालय से सटे मेरापुर मोहल्ले में इन दिनों आफत की बारिश हो रही है। क्षेत्र में पानी की सही निकासी ना होने की वजह से बारिश का पानी सड़क से लोगों के घरों तक भर जाता है और कई कई हफ्तों तक लोगों को इस बारिश के पानी के रास्तों से गुजरना पड़ता है। क्षेत्र में एक बड़ा तालाब है, तालाब में ही आसपास के घरों में सारा पानी आ जाता है। बारिश हो जाने पर यह तालाब ओवरफ्लो हो जाने से गंदा पानी लोगों के घरों में भर जाता है। गंदे पानी से स्थानीय लोगों में बीमारियाँ फैल रही हैं। पिछले वर्ष गंदे पानी के संक्रमण से कई लोगों की मौत भी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इन लोगों ने प्रशासनिक स्तर पर शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। स्थितियां ज्यों की त्यों हैं। आज भी मेरापुर के लोग नगर पालिका में क्षेत्र शामिल होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों जैसी समस्याओं को झेल रहे हैं। तालाब में पानी भरा रहता है सर, उसी की वजह से हमारे घरों में पानी जा रहा है अंदर। खाना पीना बनाने में दिक्कत होती है, तालाब बदबू मारता है, सारी समस्याएं हैं सर। पानी सब तालाब ही के भरा हुआ है सर। कब से भरा है? अच्छा, 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, बराबर पानी भरा रहता है। पानी से और कोई दिक्कत है? पानी से सर का दिक्कत, अब कीड़े मकोड़े आते हैं सर, बीमारी का काम है, बीमारे हैं, बहुत बुखार आ रहा है। बारिश का मौसम चल रहा है तब कैसा चलते, किस तरह की मुसीबत को सामना करना पड़ता है? जब बारिश होती है तो बड़ी दिक्कतें पड़ती हैं, घर से अंदर पानी भी नहीं निकल पा रहा है। जब तालाब भर जाएगा तो आंगन का पानी भी नहीं निकल रहा है। किस तरह की समस्याएं होती हैं? भर जाता है, खाली करना पड़ जाता है। क्या घर है? क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। कहाँ से आता पानी? ये पूरा नाला का पानी या तालाब का पानी सब भर जाता है के। बारिश का मौसम चल रहा है और हाँ, बारिश का मौसम चल जैसे होता है, किस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? अब भैया भर जाता चौमास में पूरा पानी भर जाता जब बरसता है। ये क्या किस तरह की समस्याएं इस गाँव में जी? क्या समस्याएं बात पानी को लेकर के? समस्याएं यहाँ बहुत खराब हैं साहब, और अगर यही दशा रही तो यहाँ 10-15 आदमी यहाँ मर चुके। इतनी बीमारी फैलती, इतना बुरा हाल है, अभी जाने के आदमी बीमार पड़ा। अब इस कीचड़ की वजह से, पानी की वजह से बड़ी स्थिति खराब। पानी कहाँ से आता है? बरसता है कुछ नालियों का है, तालाब ओवर हो चुका है तो तार पानी कहीं निकलने का साधन नहीं है, तो सभी मोहाल में भर जाता। अरे भैया ये पानी नाली वाली बन नहीं रही है तो यही समस्या हो कुछ। ये बारिश का पानी? ये बारिश का नहीं, ये तालाब का है। तालाब का पानी? हाँ। तालाब में पानी कहाँ से? पूरे गांव का पानी आता है सर। और किस तरीके परेशानियाँ होती है? परेशानी क्या, मच्छर बढ़ रहे हैं सर बहुत, तो घर में गंदा गंदा पानी भी घुस रहा है, लोग लड़ते भी बहुत हैं, ऊपर से निकल भी रहे हैं, जानवर भी निकाल रहे हैं।